गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अबाउट द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर आइसक्रीम मैन। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोग आइसक्रीम मैन चैप्टर का ये पैराग्राफ 1 और 2 खत्म किए थे। आज हम थर्ड पैराग्राफ से शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वेनिला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फीज ग्रीन ऑरेंज वाइट और पिंक। मतलब वेनिला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स, मतलब चिली चीज़ें पीने के लिए ठंडा फ्रीजी हरी नारंगी सफ़ेद या गुलाबी रंग की बोतलों से। मतलब वो आइसक्रीम वाला खाली आइसक्रीम नहीं बेचता है, वो कोल्ड ड्रिंक्स भी बेचता है। ग्रीन ऑरेंज वाइट और पिंक कलर का बोतल में डाल के, ये ठंडी ड्रिंक डाल के अलग अलग फ्लेवर में वो बेचता है। His cart might be a flower bed of roses and sweet peas. The way the children cluster round as thick as honey bees. उसकी गाड़ी फूलों के बिस्तर, गुलाब और मीठे मटर की तरह हो सकती है, जिस तरह मधुमक्खी फूलों से शहद को खाने के लिए इकट्ठे होते हैं, घूमते हैं, वैसे बच्चे आइसक्रीम वाला के गाड़ी के चारों ओर घूमते रहते हैं मधुमक्खी के तरह। वर्ड नोट्स एट ए ग्लांस। हियर आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स विथ मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। सो Let me tell you the words meaning. Hablas, मतलब burning fiercely, मतलब जलता हुआ, उत्तेजित, जलता हुआ, जो भी। Trundling, moving heavily and slowly, जोर से चलना या फिर धीरे चलना। Beneath, under, beneath मतलब नीचे। चिली, चिली मतलब वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा। फ्रोस्टी, फ्रोस्टी मतलब वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा और फ्रीजिंग। फीज, फीज मतलब फ्रोदी और फॉमिंग, मतलब झाग। क्लस्टर, क्लस्टर मतलब कम टुगेदर, एक साथ आना।